इसमें हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, उनको अब हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये चीज़ें पहले से डिसाइड की गई थी। फर्स्ट जो डिसाइड हुआ था कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट हुआ अगेन एन रिपब्लिक कंट्री, जो इंडिया है वो मतलब जो इंडिया एक कंट्री है उसमें तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। एंड सेकंड इज दैट कि इंडिया शैल बी अ यूनियन एर्स्टवाइल ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन, मतलब कि जो भी ब्रिटिशर्स के रूल में जो भी जो इंडियन स्टेट्स आ रहे थे वो, और जो इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश उसमें नहीं आ रहे थे पर वो थे, मतलब इंडियन स्टेट्स ही थे वो ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं आ रहे थे, या जो भी ये सारी जो इसके बाहर के जो भी थे वो जो भी स्टेट्स होंगे वो सब विलिंगली अगर इस पार्ट मतलब इस यूनियन में आते हैं तो मतलब वो सब इस यूनियन में आ सकते हैं, मतलब इंडियन स्टेट भी हो सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज भी हो सकती है, और ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट से बाहर का भी अगर कुछ है जो आसपास के एरिया है अगर वो भी इसमें आते हैं तो वो सब इसका पार्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड टू द टू और वेस्टेड इन द यूनियन, मतलब जो भी मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनके पास भी पावर्स रहेंगी, सारी पावर्स मतलब एक ही के हाथ में नहीं रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारी पावर सिर्फ एक ही को मिले, सबको नहीं मिले, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पावर्स जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। हमने उस हमने जब इसके फंक्शंस पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मतलब पावर्स को एक पावर तो दी गई है गवर्नमेंट को, बट पावर की एक लिमिटेशन भी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम ह्यूमन, मतलब जो भी मतलब जितनी भी पावर्स है अथॉरिटीज़ है वो सब किसके थ्रू है, पब्लिक के थ्रू है, मतलब जो फॉर बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो हमारे यहाँ जिसे कहेंगे हम रिपब्लिक, लाइक जो भी होता है पब्लिक के लिए किया जा रहा है सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट बनी और सारी पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बिलीव्स लॉ एंड वर्शिप वोकेशन एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, मीन्स जो भी लोग हैं उनको सभी तरह से इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अब वो सोशली हो इकोनॉमिकली पॉलिटिकल जस्टिस सबके इन फ्रंट ऑफ लॉ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, अपॉर्चुनिटीज़ में लॉ के सामने, फंडामेंटल फ्रीडम्स के सामने, बोलने की फ्रीडम, वर्शिप एक्सेप्ट करने की फ्रीडम, इन सब में वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी कि ये जो अश्योरेंस देती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अश्योरेंस देता है, ये इसका एक रेजोल्यूशन भी है कि मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, अब वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, किसी भी सेक्स का हो, वट एवर किसी भी इससे हो, बट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या लॉ के आगे सब क्या है, इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि मतलब एक ये होता है ना कि मेल है तो उसको अलग पनिशमेंट दी जाए, फीमेल है तो अलग, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करता हो, कुछ भी हो, मतलब ये वाली चीज़ जो होगी वो ऐसे होगी कि सबको इक्वली ट्रीट
ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सबको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। फिर आता है द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज डिप्राइज्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड बाय एडिक्वेट सेफगार्ड्स। मतलब उन्हें जो माइनॉरिटीज हैं, जो बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं और जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक मतलब सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे ताकि ये भी प्रॉपर डेवलप मतलब इनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब जब पिछले वाले रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा कि सबके लिए इक्वल आता है, तब एक पॉइंट आ जाता है कि पर फिर भी कुछ जो वो होती हैं, कहते हैं हम जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली नहीं मिलती। लाइक अगर हम देखें तो वो कहते हैं ना हम रिजर्वेशन आने के बाद में अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं रही, तो इसका मतलब इसके अंदर ये रेजोल्यूशन भी था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी एक सेफ गार्ड होना चाहिए ताकि वो भी जो नॉर्मल जो अदर लोग हैं उनके इक्वल आ सके, जो अपर कास्ट है उनके इक्वल आ सके। क्योंकि बिफोर पार्टीशन या जब ब्रिटिशर रूल था तब यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस को या ट्राइबल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो लोगों को फेस करने पड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड एंड सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। मतलब कि जो भी इसकी जो मतलब एरियाज हैं उनकी जो हम कहते हैं ना इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाएगा, और इस इंटीग्रिटी को कैसे फॉलो मतलब कैसे रखेंगे, जस्टिस एंड लॉज के थ्रू इसकी जो इंटीग्रिटी है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एक रेजोल्यूशन था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब एटमॉस्फेयर वाइज भी अगर हम देखें तो हमारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, तो रिलीजन वाइज डाइवर्सिटीज़, इकोनॉमिक वाइज डाइवर्सिटीज़ एंड एरिया वाइज डाइवर्सिटीज़, ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी जिन सब से ओवरकम होके इन सबको एक यूनाइट करना, इनको एक साथ कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कि सबको प्रोटेक्शन भी रहे और किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत ज़्यादा और किसी प्लेस पर बहुत कम है। तो हर जगह पर उन्होंने उस इंटीग्रिटी को बनाए रखा है, डाइवर्सिटी को पावर प्रूव किया है, ना कि इसको वीकनेस के लिए लिया गया है। एंड द लैंड ऑफ फुल द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर एंड मैनकाइंड। और जो भी मतलब जो हमारी ये जो लैंड होगी वो एक वेलफेयर होगी, मतलब वर्ल्ड पीस के लिए वो एक रहेगी कि वर्ल्ड पीस को हमेशा सपोर्ट करेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी उसके अंदर, ताकि इन सब चीज़ों में हम आगे रह सकें और इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। मतलब इस तरह से उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, उन लोगों का मानना था कि ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं इन सब के बीच में जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो यही थी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या पर्टिकुलर क्लास के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए या पर्टिकुलर स्टेट को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कम है, नहीं तो ये इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होंगे। सेकंड इनके साथ में प्रॉब्लम थी, इक्वल तो लेके आ गए, चलो ठीक है, एक फंडामेंटल राइट्स इन लोगों ने मेंशन कर दिया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी क्लासेस ऐसी थी जो बहुत सारे जो रिलीजन वाइज जो प्रॉस्पेक्टस से अगर हम देखें तो उस अकॉर्डिंग इन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि काफ़ी सारी जो क्लासेस थी वो इतनी बैकवर्ड पोजीशन पर थी, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती है उनके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इन सबको भी इक्वली लाना था, अपर क्लास के इक्वल लाना था,
जनरल जनरल जो एक क्लास रहती है उसके इक्वल लाना था, मेजोरिटी के इक्वल माइनॉरिटी को लाना था। तो इन सब को, इन सब जो प्रॉब्लम्स थी, इन सब को सॉल्व करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। एंड फिर ये रखा गया कि जुडिशरी के इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, इन फ्रंट ऑफ लॉ, जितनी भी जो भी कास्ट होगी या क्रीड होगी या रिलीजन होगा, सेक्स होगा, कुछ वॉट एवर, ये सारी चीज़ें इन फ्रंट ऑफ जस्टिस एंड इन फ्रंट ऑफ लॉ ये इक्वली होंगे। ये जो जितने भी जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ जो दी गई थी बैकवर्ड क्लासेस को या रिलीजियस बेस पर जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, वो सिर्फ इन सोसाइटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए थी, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ थी बहुत बहुत वीक पोजीशन पे थी जब जब ये पार्टीशन वाला सिस्टम हुआ था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सब प्रॉब्लम्स से ओवरकम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ रेजोल्यूशंस फिक्स किए गए थे और उन सबको फाइनल, मतलब इन सबको उन्होंने फुलफिल किया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज के से काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें ली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, मतलब हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट जो कमेटीज़ थी उन्होंने फाइनल किया, नहीं, उन लोगों ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छा जो मिला उन्होंने वो सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फर्स्ट जो लिया गया है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने लिया कि जो फर्स्ट जो पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए, मेजोरिटी के पास, मतलब जो लोगों को पसंद आए उनके पास वो पावर होनी चाहिए। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो हमने लिया पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम हमने लिया वो कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये जो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ना तो गवर्नमेंट का होगा, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का होगा, लाइक ना प्राइम मिनिस्टर का होगा, ना प्रेसिडेंट का होगा, ना किसी और किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। जो रूल होगा वो किसका होगा, लॉ का होगा। लॉ के आगे सब इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लिया गया वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर एंड हिज रोल। मतलब जो स्पीकर का जो पोस्ट लिया है हमारे पार्लियामेंट में, जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो कहाँ से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रोसीजर जो लिया है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, कि फेडरल सिस्टम मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ये जो हमने लिया गया वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रेजिडुअल पावर्स जो है वो इससे ली गई है कैनेडियन से। चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स का जो वो फंडामेंटल राइट्स जो लिए वो लिए हैं यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो चीज़ ली गई है वो ली गई है हमारी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू मीन्स मतलब एक तो जुडिशरी को पावर होनी चाहिए, मतलब अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर कोई पार्लियामेंट ने कोई मतलब कोई भी रूल निकाल दिया, हमने मान लिया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, बट फिर भी एज अ सिटीजन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई तो आप उस रूल को चैलेंज कर सकते हो कहाँ पे, कोर्ट में जाके। एंड लास्ट जो फाइनल डिसीजन होगा वो कोर्ट का ही होगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी। और ये जो पावर और ये सारी चीज़ें जो ली गई है वो है, जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। एंड नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्टेट पॉलिसीज ली है, जो हमारी स्टेट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं या स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने कहाँ से ली है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे प्रिंसिपल ले लिए, लिबर्टी लिया है, इक्वलिटी है, फैटर्निटी, ये जो हमने लिया है वो किससे लिया है, हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे हुए प्रोविजंस जो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए। अब नेक्स्ट जो रहेगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेजर फिलॉसफीज हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।